हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज है 13 जुलाई 2023 और अभी मैं हूँ पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध महादेव धारे के पास में। महादेव जी का आशीर्वाद लेके हमने आज का ब्लॉग शुरू किया और हम निकल पड़े पौड़ की तरफ को। गाइस देखिए, सावन के महीने में इतनी अच्छी अच्छी ग्रीनरी हो रही है। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं बर्ड वॉचिंग करने के लिए और आप देख सकते हैं पैरट्स को। पैरट्स का झुंड ही झुंड निकल रहा है गाइज। तो हमने आपके लिए इन पैरट्स को कैप्चर किया है, देखिए गाइज। ये देखिए गाइज, सामने पर एक पैरट बैठा हुआ है इस डाल पर और बड़ी सावधानी से देखना पड़ रहा है। यहाँ पर पे कुछ फेरेट और बैठे हुए हैं और आसमान में उड़ने वाले तो निकल जा रहे हैं ऊपर ऊपर ही। मैं चाह रहा हूँ कि कोई शॉट मुझे क्लोज से मिल जाए मुझे इन फेरेट्स का। ये देखिए बैठे हुए हैं, ये देखिए ये उड़ा है ये वाला भी। सावन के महीने में देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रीनरी हो जाती है हमारे पर्यावरण में। तो गई जब शाम हो चुकी है और अब हम निकलते हैं मार्केट की तरफ को।
गाइज देख सकते हैं वरदानी देवी में विद्यमान झंडे को और शहर के व्यू को देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं छोटे छोटे बादल। और गाइज अब हम पहुंच रहे हैं पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज के परिसर में, तो गाइज हम आपको दिखाएंगे डिग्री कॉलेज पूरा अंदर से। ये देखिए यहाँ पर पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट है बॉटनी और जूलॉजी के, ये वाले बॉटनी के यहाँ पर पे प्लांटेशन होते हैं काफ़ी। और ये जो पीछे वाली बिल्डिंग ये दिख रही है, ये वाली बिल्डिंग है फिजिक्स डिपार्टमेंट और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। ऊपर वाला फिजिक्स डिपार्टमेंट है, नीचे वाला केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है। ये देखिए ये है व्यावसायिक भवन, लेटेस्ट यही बना हुआ है पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज में। और ये है महाविद्यालय की कैंटीन और ये है गार्डन कॉलेज का। और वो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की लगी हुई है वहाँ पर। ये आ गए हम कॉलेज के बैक साइड वाले एरिया में, ये है मेन बिल्डिंग, इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफिस और कई सारे ऑफिस हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ का, तो देखिए कितना ख़तरनाक होता है यहाँ पर। और ये आ गया यहाँ का हॉल, यहाँ पे देखिए बड़ी सी टंकी भी है। और ये हैं करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल और आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ। इस हॉल में हमने भी एक टाइम पर एग्जाम दिए हुए हैं। गाइस जब थोड़ी एक्सरसाइज कर ली जाए, यहाँ पर पे कुछ भैया लोग रस्सी कूद कर रहे थे तो हमारा भी मन हुआ रस्सी कूद करने का। ये है कॉलेज का वॉलीबॉल ग्राउंड और इधर साइड है बास्केटबॉल ग्राउंड। और ये सामने पर है बॉयज हॉस्टल। गाइज अब आपको हम लेके चल रहे हैं कॉलेज के सेकंड गेट से अंदर को। और यहाँ पर पे आप देख सकते हैं कि शाम के समय पर वॉकिंग करने वाले लोग कितने ज़्यादा आते हैं। और यह है कॉलेज का ग्राउंड। यहाँ पर एक टाइम पर राहुल गांधी जी भी आए थे। और यह है नई वाली बिल्डिंग यहाँ की। और ये छात्र संघ कार्यालय भी बनी है गाइस अभी तो यहाँ पर पे। और यह है यहाँ की मेन बिल्डिंग। गाइज अब शाम काफ़ी हो गई है, अब निकलते हैं घर की तरफ को। अब हम पहुंच चुके हैं घर में और घर में किट्टू भैया लेके आए हैं ट्रेन, तो अब उनकी ट्रेन के साथ हम शाम का समय बिता रहे हैं। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। गाइज ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।